फाइनली दोस्तों रियलमी और शॉमी को टक्कर देने के लिए Infinix लॉन्च करने जा रहा है अपना बहुत ही बेहतरीन स्मार्टफोन जो कि 19 नवंबर को इंडिया में लॉन्च होगा। जी हाँ, 19 नवंबर को इंडिया में लॉन्च होने वाला है Infinix का बेहतरीन स्मार्टफोन, जहां पे आपको 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि 64 मेगापिक्सल वाला कैमरा जो है वो सोनी आईमैक्स 696 का सेंसर दिया जा रहा है, और साथ ही साथ डुअल पंच होल का सेल्फी कैमरा दिया जा रहा है, जहां पे 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है। दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है 13,000 से 14,000 रुपए के बीच में इसकी प्राइस रहेगी, और बहुत ही बेहतरीन लुक के साथ और धमाकेदार प्रोसेसर इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों ये कोई और नहीं Infinix का 08 स्मार्टफोन है जो कि 19 नवंबर को इंडिया में लॉन्च हो रहा है। दोस्तों यहाँ पे इस स्मार्टफोन की सारी डिटेल हम आपको देने वाले हैं, तो अभी कभी चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है प्रेस कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको जानकारी मिल जाए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रप्रकाश सहगल और आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल सहगल। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पे 19 नवंबर को Infinix अपना बहुत ही बेहतरीन स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें, किसने अपने ट्विटर हैंडल पे सारी जानकारी दी है, आप इस इमेज को देख लीजिए। जी हाँ, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो 19 को दर्शाया गया है 19 नवंबर, और 19 नवंबर को लॉन्च होने वाला है Infinix 08। यहाँ पे हम बात करेंगे इस स्मार्टफोन की, उससे पहले थोड़ा सा टाइम निकाल के इस वीडियो को जरूर से देखिए। आई बटन में हम लिंक दे दे रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको जरूर से देखिएगा। दोस्तों यहाँ पे जो Infinix 08 है बहुत ही बेहतरीन लुक के साथ आ रहा है, एकदम अलग लुक इस स्मार्टफोन का है। यहाँ पे जो बॉडी है ऑब्वियसली पॉलीकार्बोनेट की है, लेकिन डिजाइन और जो है एकदम अलग है। यहाँ पे जो कैमरा दिया गया है वो डायमंड शेप में कैमरा दिया जाएगा, 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, जो कि सोनी आईमैक्स 696 का यहाँ पे सेंसर दिया जा रहा है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर, इसके साथ ही साथ आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और एक लो लाइट सेंसर का कैमरा दिया जा रहा है। यहाँ पे रियर पैनल पे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं दिया जाएगा, यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर भी हम आपको बताएंगे। फ्रंट पे आते हैं, 6.85 इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले दिया जा रहा है, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला। जी हाँ, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, और साथ ही साथ 180 हर्ट्ज का यहाँ पे टच सैम्पलिंग रेट दिया जा रहा है। और ये जो स्मार्टफोन है डुअल पंच होल के सेल्फी के साथ आ रहा है, जहाँ पे 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर रहेगा और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर रहेगा। यहाँ पे दोस्तों डिस्प्ले पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है, यहाँ पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, साइड में दिया जाएगा। इस स्मार्टफोन में जो प्रोसेसर की बात करते हैं, तो ये जो स्मार्टफोन है आपको मीडियाटेक हीलियो G90T का प्रोसेसर दिया जाएगा, 6GB रैम रहेगा और 128GB का इंटरनल स्टोरेज इस स्मार्टफोन में दिया जाएगा। दोस्तों हो सकता है इंडिया वर्जन के लिए इसे 4GB और 64GB के वेरिएंट में भी उतारा जाए। जो यहाँ पे बैटरी है वो 4500 mAh की बड़ी बैटरी है, और साथ ही साथ इसे चार्ज करने के लिए 22 वाट का फास्ट चार्जर दिया जा रहा है बॉक्स में। हो सकता है इंडिया वर्जन के लिए यहाँ पे 33 वाट का चार्जर भी मिल जाए, तो यहाँ पे 22 वाट का फास्ट चार्जर दिया जा रहा है, और साथ ही साथ दोस्तों टाइप सी दिया जाएगा। और बात करते हैं बाकी सभी सेंसर आपको मिल जाएंगे, जैसे 3.5mm जैक भी इसमें मिल जाएगा, और ऑडियो होल्स नीचे के साइड आपको देखने को इसमें मिल जाएंगे। यहाँ पे अब प्राइसिंग की बात कर लेते हैं, तो ये स्मार्टफोन 13,000 से 14,000 रुपये के बीच में वेरी करेगा, और इस स्मार्टफोन की दमदार टक्कर होने वाली है पोको के X2, X3 और साथ ही साथ जो रेडमी के रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स है, और रियलमी का जो 7 है, रियलमी 7 प्रो से, और एकदम बेहतरीन लुक के साथ आ रहा है। भाई वाकई के लुक दमदार है, प्रोसेसर भी दमदार है। और दोस्तों अगर ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होता है, 19 नवंबर को इसकी लॉन्चिंग है, अगर ये स्मार्टफोन लॉन्च होता है तो क्या आप इस स्मार्टफोन को खरीदेंगे, कमेंट जरूर करिएगा।
आपका कमेंट का हमें बहुत ही बेसब्री से इंतजार है, कमेंट जरूर करिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो तक। दीजिए जय हिंद, वंदे मातरम।